बता दो, क्यों सर्जरी करवाने से मना कर रहे हैं? ये जितने भी बड़े अस्पताल है ना, बहुत खर्चा होता है, मुझे कोई भरोसा नहीं। आप जनता हॉस्पिटल पर भरोसा कर सकते हैं। मॉडर्न और हाई क्वालिटी जनता हॉस्पिटल में है बेहतरीन इलाज की सहूलत, कम से कम खर्च पर। इतना कम खर्च के वाकफ या दीगर चैरिटेबल हॉस्पिटल से भी कंपेयर किया जा सकता है। सीजरी डिलीवरी सिर्फ 25,000 रुपए में, इसी तरह दीगर इलाज भी कम से कम खर्च पर सिर्फ जनता हॉस्पिटल में। जनता हॉस्पिटल नियर विज्ञान स्कूल, चंद्रबंडा रोड, बिफोर आश्रय कॉलोनी, LBS नगर, राइट। नाज़रीन आदाब एवं टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। तालीम, सेहत, फ्री एजुकेशन, तकनीकी तालीम, तरबियत, नो पेट खाली स्कीम के तहत दोपहर में मुफ्त खाने की तकसीम, अस्पतालों के पास खाने की पैकेटों की तकसीम, मुफ्त मेडिकल कैंपों का इनेकाद, जरूरतमंदों के लिए वॉल ऑफ काइंडनेस, सामाजिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए शादियों का दूबदू प्रोग्राम, इस तरह और भी कई अनगिनत फलाही काम करने वाला इदारा ईफा फाउंडेशन आशियाना ओल्ड एज होम के जरिए बेसहारा जरूरतमंद बुजुर्गों की रिहाइश का एहतमाम, उनके खाने पीने का इंतजाम करने वाला रायचूर का मशहूर व मारूफ इदारा ईफा फाउंडेशन की जानिब से एक और बेहतरीन इकदाम किया गया है, यानी ईफा सीनियर सिटीजन फोरम रायचूर का क्याम अमल में लाया गया। इस फोरम के जरिए 60+ यानी सीनियर सिटीजन की हर तरह से मदद की जाएगी। इस सिलसिले में रायचूर शहर के शमसिया फंक्शन हॉल में एक इफ्तिताही प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमे बतौर मेहमान खुसूसी डॉक्टर अलीम खान फलकी ने शिरकत की। इन्होंने कहा कि बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि बाइस रहमत है। इस मौके पर कई एक मिली और समाजी कायदीन और फलाही तंजीमों से जुड़े अफराद भी मौजूद थे। इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है, मैं जनाब अलीम फलकी साहब को इस आगे की कार्रवाई और आज की जो प्रोग्राम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं इसको कामयाबी तक पहुंचाने के वास्ते दुआ को जज़ाकल्लाह खैर। हमारे सबसे पहले किसको गाली देते हैं? हाँ, इसकी तरबियत गलत है, इसके बड़े गलत हैं। तो जब पूरी कौम जिसके बारे में शाम तक भी अगर हर आदमी माइक में हाथ में माइक लेके बोले तो कौम की इस वक्त जो मोरल, अखलाकी, सियासी, माशी ये जो हालत है।